नमस्कार, कोचअप अकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज विषय कंट्रोल सिस्टम में समझते हैं ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड कुछ MCQs। शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न है, ट्रांसफर फंक्शन क्या बताता है? किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लाप्लास या फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंट्रोल्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट के अनुपात को परिभाषित करता है। ये इनपुट और आउटपुट में रिलेशनशिप को व्यक्त करता है। किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोल्ड आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी या लाप्लास डोमेन में है, एस डोमेन में है, और रेफरेंस इनपुट एस डोमेन में है, उनका अनुपात है। तो अगर एक ट्रांसफर फंक्शन में आउटपुट टाइम का फंक्शन और इनपुट का टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, तो इनके रेस्पेक्टिव लाप्लास डोमेन रूप एस डोमेन में जब हम निकाल लेंगे तो ये जो अनुपात है वो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा। जब हम किसी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की कैलकुलेशंस करते हैं तो सभी इनिशियल कंडीशंस को जीरो अज्यूम कर लेते हैं, और अगर इनपुट एक इंपल्स फंक्शन हो तो हमारा जो सिस्टम है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन रूप है वही आउटपुट रूप आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी रेस्पॉन्स आउटपुट का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस डोमेन रूप है वही सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा, अगर इनपुट एक इंपल्स सिग्नल इनपुट है। एक सरल और आम परंपरा है कि जब हम किसी कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन परिभाषित डिफाइन करते हैं तो सभी इनिशियल कंडीशंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं और इनिशियल कंडीशंस को जीरो मानते हुए आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी या लाप्लास डोमेन में रूप है और इनपुट जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है उस अनुपात को हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन उसके इनपुट पर डिपेंड नहीं करता, हालांकि आउटपुट इनपुट पर जरूर डिपेंड करेगा, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन का मान सिस्टम के अपने कंपोनेंट से डिसाइड होता है, उसकी वैल्यू इनपुट पर डिपेंड नहीं करती। हम किसी ट्रांसफर फंक्शन की मदद से पोल और जीरो निकालकर उसकी स्टेबिलिटी का आंकलन कर सकते हैं, और बिना डिटेल्ड एनालिसिस किए हुए बिफोर हैंड पहले से हम कह सकते हैं कि सिस्टम का व्यवहार कैसा होगा। तो सवाल है कि एक ट्रांसफर फंक्शन क्या कैलकुलेट करने के काम आता है? तो किसी गिवन इनपुट के लिए ये आउटपुट निकाल सकता है, ये ट्रांसफर फंक्शन का सीधे सटीक उपयोग है। हम एक ट्रांसफर फंक्शन से उसके ऑर्डर का पता कर सकते हैं, उसके टाइम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, और स्टडी स्टेट गेन्स और एरर्स भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ एप्रोप्रिएट चॉइस है वो हो गई कि हम किसी गिवन इनपुट के लिए ट्रांसफर फंक्शन से आउटपुट निकाल सकते हैं। प्रश्न है, ट्रांसफर फंक्शन कब वैलिड रहेगा? तो ऐसा सिस्टम जिसके सारे कंपोनेंट लीनियर है उसे हम लीनियर सिस्टम कहते हैं, और लीनियर सिस्टम में ही केवल ट्रांसफर फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉन लीनियर फंक्शन जो इनपुट के वेरिएशन से अपनी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक बदलते हैं उनमें हम ट्रांसफर फंक्शंस को डिफाइन नहीं कर सकते। ट्रांसफर फंक्शन उन जगहों पर लागू नहीं होगा जो सिस्टम टाइम के साथ बदलते होंगे। तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो सिर्फ लीनियर और टाइम इनवेरिएंट, समय के साथ नहीं बदलने वाले सिस्टम्स के लिए ही लागू होगा। तो यहां जो ऑप्शन सी है वो राइट चॉइस होगी। तो एक ट्रांसफर फंक्शन की कांसेप्ट वैलिड होगी अगर हमारा सिस्टम लीनियर और टाइम इनवेरिएंट हो, यानी वो रेखीय अवयवों से बना हो और समय के साथ उसमें परिवर्तन कंपोनेंट में नहीं आना हो, तो हम ट्रांसफर फंक्शन की कांसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा इनपुट सिग्नल एक इंपल्स रिस्पांस है तो उसका जो लाप्लास डोमेन रूप है वो यूनिटी है, और ऐसे इनपुट फंक्शन का जो आउटपुट रूप होगा वही सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन वो आउटपुट लाप्लास रूप है जो किसी इंपल्स रेस्पॉन्स इनपुट पर आ रहा है। इस दिए गए ब्लॉक डायग्राम में जो फाइनल कंट्रोल्ड आउटपुट है और हमारा रेस्पॉन्स इनपुट है उसके बीच में रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन क्या है? तो रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन वो कंट्रोल्ड आउटपुट का फ्रीक्वेंसी डोमेन रूप और रेफरेंस इनपुट का फ्रीक्वेंसी डोमेन रूप का अनुपात है। और यहां जब मेरा ये रेफरेंस इनपुट G1 ट्रांसफर फंक्शन के ब्लॉक को पार करेगा तो वो G1 टाइम्स RS हो जाएगा, और एक बार फिर जब वो कैस्केड G2 को पार करेगा तो वो G1 और G2 के मल्टीप्लिकेशन जितना पावरफुल हो जाएगा। तो आउटपुट और इनपुट का रेशियो यहाँ दो कैस्केड ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक में मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। ऐसे समेशन पॉइंट्स पर हमारे सिग्नल्स लाप्लास डोमेन के आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ समिंग पॉइंट पे दो सिग्नल प्लस और माइनस साइन से एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे, और यहाँ ये रेफरेंस इनपुट है और
इसको हम फीडबैक सिग्नल बोलते हैं, जो कंट्रोल्ड आउटपुट के किसी डेरिवेटिव फॉर्मेट में यहाँ आया है, और इस समिंग पॉइंट पे दोनों का डिफरेंस एक एरर सिग्नल के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एरर सिग्नल यहाँ रेफरेंस इनपुट और फीडबैक सिग्नल का डिफरेंस है। अगर समिंग पॉइंट पे यहाँ नेगेटिव फीडबैक न होके दोनों सिग्नल एक ही पोलैरिटी के पॉजिटिव फीडबैक होते, तो ये जो एरर सिग्नल है वो रेफरेंस इनपुट और फीडबैक सिग्नल का समेशन हो जाता। तो इस तरह से अगर कोई फीडबैक सिग्नल आता है और वो रेफरेंस इनपुट के साथ जुड़ता है तो इसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ऑसिलेटर सर्किट्स में हम पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जरूर बढ़ता है लेकिन स्टेबिलिटी कम हो जाती है। हम अक्सर अपनी कंट्रोल स्कीम्स में स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए इस तरह से नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल करते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक में एरर सिग्नल रेफरेंस इनपुट और फीडबैक सिग्नल का डिफरेंस है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक में ये रेफरेंस इनपुट और फीडबैक सिग्नल का सम होगा एरर सिग्नल। पूछा गया है कि दिए गए ब्लॉक डायग्राम में जो हमारा आउटपुट एरर सिग्नल है वो क्या रूप रखेगा। तो यहाँ जो दो रेफरेंस इनपुट सिग्नल हैं R1S और R2S फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो जब G1 ट्रांसफर फंक्शन से पहला रेफरेंस इनपुट आगे आएगा तो वो G1 टाइम्स R1S हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा फंक्शन G2 टाइम्स R2S हो जाएगा, और यहाँ इस समिंग पॉइंट पे दोनों का डिफरेंस हो रहा है तो मेरा रिजल्टेंट सिग्नल ये स्वरूप लेके यहाँ एरर सिग्नल आ जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव साइन होता तो हमारे आउटपुट का रूप एरर सिग्नल का ये स्वरूप रख लेता। मेरा रेफरेंस इनपुट सिग्नल G1 ट्रांसफर फंक्शन से या G1 टाइम्स RS होकर आ रहा है, इसी तरह से वही रेफरेंस इनपुट G2 टाइम्स होकर यहाँ आ रहा है, और यहाँ इस समेशन पॉइंट पे दोनों का डिफरेंस एक कंट्रोल्ड आउटपुट बना रहा है। तो कंट्रोल्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट का ये जो टोटल ब्लॉक डायग्राम में रेशो है वो यहाँ G1 और G2 का डिफरेंस हो जाएगा। अगर यही समिंग पॉइंट पे दोनों निशान पॉजिटिव होते तो उसी तरह के ब्लॉक डायग्राम का रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन दोनों ट्रांसफर फंक्शन का सम हो जाता। तो समिंग पॉइंट पे डिफरेंस होने पे ये डिफरेंस है, और समिंग पॉइंट पे सम होने पे ये दोनों ट्रांसफर जो पैरेलल आ रहे हैं उनका सम हो गया है। दिया गया ब्लॉक डायग्राम हमारे कंट्रोल सिस्टम के एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन को समझाता है, जिसमें हम कंट्रोल्ड आउटपुट का एक पार्ट फीडबैक करके रेफरेंस इनपुट से कंपेयर करके एक एरर सिग्नल बनाते हैं, और एरर सिग्नल से हमारे ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं ताकि वो हमेशा डिजायर्ड पोजीशंस पर रहे। तो इस पूरे सिस्टम में कंट्रोल्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट का जो रेशियो है वो ट्रांसफर फंक्शन को निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ जो सिग्नल आ रहा है उसे फीडबैक सिग्नल को हम कह सकते हैं, फीडबैक पाथ का गेन मल्टीप्लाइड बाई कंट्रोल्ड आउटपुट। और ये जो एरर सिग्नल यहाँ आ रहा है इस समेशन पॉइंट के बाद, जहां दोनों सिग्नल्स का साइन ऑपोजिट होने के कारण एक नेगेटिव फीडबैक में ये एरर सिग्नल दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, जहां फीडबैक सिग्नल कंट्रोल्ड आउटपुट का फीडबैक पाथ गेन मल्टीप्लाई करके आया है। अब इस एरर सिग्नल को जब हम ट्रांसफर फंक्शन जी से पास करते हैं तो वो जी टाइम्स होकर हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट बन जाता है। एरर सिग्नल की जगह अगर हम रेफरेंस इनपुट और फीडबैक सिग्नल का डिफरेंस रखें और फीडबैक सिग्नल की जगह हम फीडबैक पाथ का गेन और कंट्रोल्ड आउटपुट का मल्टीप्लीकेशन लिखें, और यहाँ रेफरेंस इनपुट और कंट्रोल्ड आउटपुट की टर्म्स को अगर दोनों अलग अलग साइड में ले लें तो ये माइनस साइन साइड चेंज करने के बाद प्लस हो जाएगा, और हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट का जो रेशियो है वो फॉरवर्ड पाथ का गेन और फीडबैक पाथ के गेन के साथ ये स्वरूप रख लेगा। यहां जी फॉरवर्ड पाथ का गेन है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस जीएच में जी और एच क्रमशः फॉरवर्ड और फीडबैक पाथ के जो गेन का प्रोडक्ट क्लोज लूप पाथ का गेन हो गया है। अगर इसी फीडबैक में या समिंग पॉइंट में दोनों साइन सेम होते तो ये पॉजिटिव फीडबैक कहलाता, और हमारा ये साइन या नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव होने पर जब साइड चेंज करता तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता, और इसी सर्किट में पॉजिटिव फीडबैक के साथ टोटल ट्रांसफर फंक्शन का ये मैजेंटा हाईलाइट वाला रूप आ जाता। तो नेगेटिव फीडबैक में डिनोमिनेटर में प्लस साइन है और पॉजिटिव फीडबैक में ये नेगेटिव साइन होता। पूछा है दिए गए ब्लॉक डायग्राम में ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोल्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट का रेशियो निकालिए। तो यहाँ फॉरवर्ड पाथ दो ट्रांसफर फंक्शन कैस्केड में G1 और G2 का प्रोडक्ट टोटल फॉरवर्ड पाथ का गेन हो गया है, और ये नेगेटिव की बजाय यहाँ पॉजिटिव फीडबैक है। तो हमारे ऐसे क्लोज लूप कंट्रोल गेन में फॉरवर्ड पाथ के गेन के साथ जब हम फीडबैक पाथ के गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे और पॉजिटिव फीडबैक के लिए यहाँ डिनोमिनेटर में साइन माइनस लेंगे तो ये जो सी ऑप्शन है वो हमारी राइट चॉइस हो जाएगी। अगर इसी प्रश्न में यहाँ पॉजिटिव फीडबैक के बजाय अगर नेगेटिव फीडबैक होता तो नेगेटिव फीडबैक के लिए फॉरवर्ड पाथ का गेन तो एक बार फिर G1 G2 का प्रोडक्ट होता और क्लोज लूप पाथ का गेन G1 G2 H होता, और यहाँ नेगेटिव फीडबैक होता तो ये साइन जैसा शाइन हाईलाइट में दिख रहा है पॉजिटिव हो जाता। इस दिए गए क्लोज लूप कंट्रोल स्कीम
का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन पता करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक है, तो अगर फॉरवर्ड पाथ का गेन जी हो और फीडबैक पाथ का गेन एच हो और क्लोज लूप गेन जी एच हो, तो एक पॉजिटिव फीडबैक के लिए एक क्लोज लूप कंट्रोल स्कीम का गेन फॉरवर्ड पाथ का गेन 1 माइनस फॉरवर्ड और फीडबैक लूप के गेन का प्रोडक्ट हो जाता है। यहाँ फॉरवर्ड पाथ का गेन माइनस 3 है, हमने सब्स्टिट्यूट किया, और फीडबैक गेन हाफ है। कैलकुलेशन किया तो ये स्वरूप आगे माइनस 3 का प्रोडक्ट माइनस 1.5, यहाँ माइनस और माइनस प्लस नीचे 2.5 आया। 2.5 को अगर हम 5/2 रखें तो ये हमारा आंसर -6/5 इस क्वेश्चन का हो गया। यहाँ हमारे फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक पाथ के गेन बदल सकते हैं, फीडबैक का नेचर पॉजिटिव फीडबैक के बजाय नेगेटिव फीडबैक होने पर यहाँ साइन प्लस हो सकता है, और इस तरह का एक न्यूमेरिकल परीक्षा में आने की अच्छी संभावना है। इस गिवन ब्लॉक डायग्राम में आउटपुट और इनपुट के ट्रांसफर फंक्शन का रेशो ओवरऑल गेन क्या है, तो आप इस समिंग पॉइंट पे दोनों पैरेलल गेन G1 और G2 जुड़कर यहाँ आ रहे हैं, G1 प्लस G2 हो गए हैं, और इस G1 और G2 के आगे कैस्केड में यहाँ समेशन पॉइंट पे G3 और G4 का समेशन एक गेन बना रहा है। तो यहाँ दो गेन G1 और G2 का सम और G3 और G4 का सम आपस में कैस्केड है, और कैस्केड में गेन प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो हमारे इस पूरे सिस्टम में समेशन भी है और कैस्केड से मल्टीप्लीकेशन भी है, तो ओवरऑल गेन ये स्वरूप रखेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव सिग्नल की बजाय कोई एक अगर माइनस होता, जैसे G4 का यहाँ समिंग पॉइंट पे साइन माइनस होता, तो ये G3 - G4 हो जाता। हमें इस दिए गए सिग्नल फ्लो डायग्राम के लिए ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोल्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट का रेशो पूछा गया है। तो इस कंट्रोल फ्लो डायग्राम में दो फीडबैक क्लोज लूप बन रहे हैं। यहाँ -H1 फीडबैक बता रहा है कि फॉरवर्ड पाथ G1 के साथ ये एक नेगेटिव फीडबैक है, जिसका ओवरऑल गेन फॉरवर्ड पाथ का गेन और लूप गेन के साथ यहाँ नेगेटिव फीडबैक में प्लस साइन के साथ ये स्वरूप आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ G3 फॉरवर्ड पाथ गेन के साथ H3 नेगेटिव फीडबैक पाथ के साथ ओवरऑल गेन ये स्वरूप रखेगा। अब यहाँ 5 कैस्केड स्टेट है, 1 ये G1/1+G1H1, G2 और ये G3/1+G3H3 और ये एक 1, इन सब का म्यूचुअल प्रोडक्ट अगर हम करें तो न्यूमेरेटर में आ जाएगा G1, G2, G3 और डिनोमिनेटर में आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका स्वरूप ये सिंप्लीफिकेशन पे आ जाएगा। तो यहाँ सी हमारा राइट चॉइस हो गया है। यहाँ हम नेगेटिव फीडबैक की बजाय पॉजिटिव फीडबैक ले सकते हैं या कुछ और माइनर मॉडिफिकेशंस कर भी अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। प्रश्न है दिए गए ब्लॉक डायग्राम के लिए लूप गेन क्या है, तो लूप गेन कंट्रोल्ड आउटपुट सी और आर का रेशो है, और यहाँ फॉरवर्ड पाथ का गेन तो जी है और यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन एक फीडबैक पाथ यूनिटी गेन का यहाँ बन रहा है और फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक है, तो क्लोज लूप गेन में एच की जगह 1 रखते हैं और यहाँ माइनस साइन के साथ ये जो स्वरूप है G1-G सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगर यही पॉजिटिव फीडबैक के बजाय नेगेटिव फीडबैक होता तो यहाँ साइन प्लस आ जाता, और अगर यहाँ फीडबैक पाथ यूनिटी ना होके कोई और वैल्यू का होता तो एच का मान इस फॉर्मूले में उसी अनुरूप रख दिया जाता। पूछा है कि ये जो ब्लॉक स्कीम दी हुई है उसका इक्विवेलेंट रिडक्शन रूप कौन सा होगा, तो ये जो संकेत यहाँ X1G टाइम्स होकर X1G रूप में यहाँ है वो यहाँ फीडबैक हो रहा है। अगर हम उस फीडबैक को सीधा X1 लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, अगर इस X1 को G टाइम्स करके 1/G टाइम करेंगे तो ये यहाँ X1 ही आएगा, तो ये भी गलत है क्योंकि हमें फीडबैक G टाइम्स X1 चाहिए। और आप देखिए कि ये X1 यहाँ G ट्रांसफर फंक्शन होकर X1G हो गया है, तो ये रूप और ये रूप सेम है, और हमारा जो टेक ऑफ टाइम है वो इस ब्लॉक के आगे के बजाय पीछे ट्रांसफर हो गया। तो जब भी हम किसी टेक ऑफ पॉइंट को पीछे की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो जो ट्रांसफर फंक्शन आगे के ब्लॉक में है वही यहाँ पीछे बना दिया जाएगा, तो हमारे रूप में इक्विवेलेंसी रहेगी और चीजें अगर सिंप्लीफाई हो जाती है इस तरह से, तो हम इस तरह से ब्लॉक डायग्राम का रिडक्शन करके सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अगर ऐसा ही कोई ब्लॉक इस टेपिंग पोजीशन से जो इस ब्लॉक से पहले होती और पीछे जाती तो वो जी की बजाय 1/G हो जाता। परीक्षाओं में कुछ फॉर्मूले ऐसे सिग्नल फ्लो डायग्राम में मैसन का गेन फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं उससे संबंधित हो सकते हैं। यहाँ इनपुट पोजीशन X1 से और आउटपुट पोजीशन X5 तक जो जाने का रास्ता है उसे हम फॉरवर्ड पाथ कहते हैं, और ये जो वापसी में आ रहे हैं वो फीडबैक पाथ हो गए। तो आप देखिएगा कि यहाँ X1 और X5 के बीच में हरे तीर के अलावा नीले तीर से बनने वाला रास्ता भी एक फॉरवर्ड पाथ बनता है इनपुट से आउटपुट का, तो हमारे
पास इस सिग्नल फ्लो डायग्राम में कितने फॉरवर्ड पाथ बनते हैं, अगर कैलकुलेशन के लिए कहा जाता तो वो रास्ते दो हो जाते हैं। हमारे सिग्नल फ्लो डायग्राम में कोई सिग्नल वापस उसी जगह आ जाता है तो इस तरह का जो पाथ है वो क्लोज्ड पाथ कहलाता है। और यहाँ बहुत सारे क्लोज्ड पाथ बन रहे हैं, जैसे Q23 यहाँ इस रास्ते से वापस आ रहा है तो ये एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है। इसी तरह से Q23 Q34 के साथ या Q42 के साथ मिलकर इस ग्रीन हाईलाइट में क्लोज्ड पाथ बना रहा है। इसी तरह से एक क्लोज्ड पाथ Q23 Q34 Q45 इस Q52 के साथ मिलकर यहाँ नीचे क्लोज्ड पाथ बना रहे हैं, यहाँ नीचे एक क्लोज्ड पाथ बना रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो दो लूप पीले रंग में और दो लूप यहाँ हरी हाईलाइट में हमने दिखाए हैं। तो पूछा है कि कुल कितने क्लोज लूप बन रहे हैं, तो आंसर हो गया 4 क्लोज लूप इस सर्किट में बन रहे हैं। इन चारों में आप ये देखें कि जो पीली हाईलाइट वाले जो दो लूप हैं वो आपस में नॉन टचिंग है, तो नॉन टचिंग लूप का सिर्फ एक पेयर एक जोड़ा है यहाँ इस डायग्राम में। तो इस तरह के कुछ सवाल सिग्नल फ्लो के बनाए जा सकते हैं और इसके आधार पर हम मेसन का गेन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से रिलेटेड MCQ करने में मदद मिलेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।